देखो दो ऑप्शंस है, ध्यान से समझना। एक है कि आप बिल्कुल ही बेवकूफ हो, तो बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। जैसे जानवरों के लिए खुद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने एक जानवर को पाला है तो, जिसने पाला है उसके लिए प्रॉब्लम है। जानवर तो इनोसेंट है, उसको तो अपना पेट भरने से मतलब है, जब तक खाना मिल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, रहे चले जाएगा। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब सोचने की शक्ति तो है लेकिन सही सोचना नहीं आता है। अगर आपकी थिंकिंग झूठ पर बेस्ड है तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान है। कोई भी आकर के आपको कुछ भी बोल देगा और आप उसके बहकावे में आ जाओगे और आप उसके वश में हो जाओगे जब भी आपका टाइम खराब होगा तब। और टाइम कब खराब होता है? हमेशा ही खराब होता है। टाइम अच्छा कब होता है? आप में से कौन है जिसकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है? हाथ ऊपर करना जरा, ज्यादा टाइम तक रहने वाला नहीं है। सब कुछ अनित्य है, यानी सब कुछ टेम्पररी है। अच्छे के बाद बुरा आता है, बुरे के बाद अच्छा आता है, पर जो हमारी अंडरलाइंग स्टेट है वो बुरी ही होती है, क्योंकि जो मिल जाता है वहां पे ध्यान नहीं जाता है। जितनी सैलरी मिल जाती है वहां पे ध्यान जाता है, या जो नहीं मिली है उस पे ध्यान जाता है, या जो साथ वाले को ज्यादा मिल गई है वहां ध्यान जाता है, जो अभी हेल्थ परफेक्ट है वहां ध्यान जाता है, मतलब हाथ पैर आंखें कान नाक सब कुछ सलामत है वहां ध्यान जाता है, या हल्का सा दांत में कहीं पे दर्द हो रहा है वहां ध्यान जाता है। समझ गए क्या होता है? दिस इज लाइफ। तो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, प्रॉब्लम्स दो तरह की है, एक है फिजिकल एक है साइकोलॉजिकल। फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कैसे चाहिए? वो आप अपनी कैपेबिलिटी देखो, अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो, अपनी सिचुएशन देखो, खुद सोल्यूशन निकालो। उसमें मैं या मेरे जैसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और जो आकर के आपको कह रहा है कि मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इस बात को समझ जाओ जितनी जल्दी समझ सकते हो उतनी जल्दी, क्योंकि कोई भी आपको पैसा कमा करके नहीं देगा। आपकी बड़ी गाड़ी आए ना आए, उसकी बड़ी गाड़ी पक्की है अगर आप उसकी बातों में आ गए तो। ये दुनिया बहुत ही कनिंग है, बहुत सेल्फिश है, पूरी तरह से अंदर से करप्ट है। करप्शन आप लोगों की हमारी सबकी नस नस में दौड़ रहा है। यहां पर कितने हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? चलो मान लेते हैं कि अभी आप तैयारी कर रहे हो और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, वहां पर कुछ बहुत गलत होते हुए देखते हो जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। आकर के अपने घर में बात करते हो अपने पेरेंट्स से कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्या मैं आवाज उठाऊं, क्या मैं कुछ बोलूं, किसी को कंप्लेंट करूं, क्या मैं उनसे लड़ूं? तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? इग्नोर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, अपने काम से काम रखो। तो क्या आपके पेरेंट्स करप्ट नहीं है? तो वो जो आपके सबसे क्लोज है इस दुनिया में, वो जिन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, अगर वो ही करप्ट है तो बाकी दुनिया का तो छोड़ ही दो, बाकी दुनिया तो बेच के खा जाएगी आपको। तो इस दुनिया में यू नीड टू बी एज स्ट्रांग एज पॉसिबल, एज फिट एज पॉसिबल। क्यों? इसलिए नहीं कि सामने वालों को डोमिनेट करना है या अपनी उस पावर को अपनी उस पोजीशन को यूज करना है सामने वालों को दबाने के लिए, उनको डराने के लिए, उनका टॉर्चर करने के लिए। इसलिए नहीं, इसलिए कि ये दुनिया आपका टॉर्चर ना कर सके, ये दुनिया आपको ना दबा सके, ये दुनिया आपका नाजायज फायदा ना उठा सके। इसलिए यू नीड टू बी एज फिट एज यू कैन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या? कि आप इतने कैपेबल हो कि आप कुछ भी करके कहीं से भी कितना भी पैसा कमा सकते हो, तब आप एक्चुअल में कैपेबल हो। अगर किसी पर डिपेंड हो तो आप कैपेबल कहां हो? तब तो आप कठपुतली हो। कड़वा है लेकिन सच है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए, महाभारत देखी है आप सबने? कितनों ने देखी है? हाथ ऊपर करो। सबने देखी है। उसमें दो वर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, धर्म और अधर्म। एंड में जीत हमेशा सच की होती है, धर्म की होती है। ऐसा क्यों? अगर आप एक सही रास्ते पे चलोगे लाइफ में तो आपका माइंड इस लायक होगा कि आप लाइफ की जो हायर पॉसिबिलिटीज हैं, जो हायर लेवल की नॉलेज है, उसको समझ पाओगे। अगर गलत होगे या गलत लोगों के साथ में जुड़े हुए होगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो अगर कोई सही बात भी करेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो अगर आप अधर्म के साथ रहे तो कीड़े मकोड़ों की तरह जियोगे और कीड़े मकोड़ों की तरह मरोगे। आप चाहे जियो चाहे मरो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आप धर्म की तरफ हो तो क्या होता है? अब ये सुनने में थोड़ा मॉडर्न नहीं लग रहा होगा आपको, ये वर्ड्स ठीक लग रहे हैं? समझ आ रहा है? देखना, पहले मैं इसके भी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। जब मैं धर्म और अधर्म ये जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है? धर्म आज की डेट में लोग बोलते हैं रिलीजन,
अरे रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म का मतलब होता था आज से हजारों साल पहले लॉज ऑफ द यूनिवर्स, उसके हिसाब से चलोगे तो आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, लॉज को वायलेट करोगे तो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो। सबसे बड़ा लॉ क्या है इस यूनिवर्स का, औरों के साथ में वैसे ही एक्ट करो जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में एक्ट करे। ये धर्म का एसेंस है कि अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई तमीज से बात करे तो आपको औरों से तमीज से बात करनी है, आपको दुनिया के साथ में वैसे ही एक्ट करना है जैसे आप चाहते हो कि दुनिया आपके साथ में एक्ट करे अगर आप उस सिचुएशन में हो तो। ये धर्म है। जो आदमी सही रास्ते पे चल रहा होता है उसके अंदर डर नहीं होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, वो सेंसिबल होता है, वो ये समझ सकता है कि सही क्या है गलत क्या है, इसके बीच में वो फर्क देख सकता है। इस फर्क को देखने को इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी वो इंटेलिजेंट होता है, वो वाइज होता है। तो जो इंसान इंटेलिजेंट है, वाइज है, वो जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, वेद है, उपनिषद है, उनको समझ सकता है। कहते हैं ना एंड में जीत हमेशा धर्म की होती है, सच की होती है। तो जीत क्या है और हार क्या है जिंदगी के मकसद से, कौन जीता कौन हारा? करोड़ों अरबों लोग आए आपके जैसे इस दुनिया में, आए और चले गए, किसी को कोई फर्क पड़ा? तो उसमें से कौन जीता कौन हारा सोचो, कभी दिमाग लगाओ इस तरीके से मेरे प्यारे खचरो। सोचते क्यों नहीं हो, बिजी हो क्या अपने चिंदी कामों में? थोड़ा तो वक्त निकालो ना अच्छी चीजें सोचने के लिए। कौन जीता इस जिंदगी में और कौन हार गया? जिंदगी का जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, ह्यूमन होने का जो एक्चुअल में मतलब है, जिसने उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर लिया और जिसने उसको अचीव कर लिया, वो जीत गया, बाकी सब हार गए। तो करोड़ों अरबों खरबों लोग हार गए और कुछ लोग जीत गए। कौन है वो कुछ लोग जो धर्म के रास्ते पे चले? अगर आप एक पक्षी हो तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? उड़ना। अगर वो पक्षी उड़ ही ना पाए पूरी जिंदगी, जमीन पे ही जिया, जमीन पे ही मरा, तो क्या कहेंगे, वो जीता या हारा? हार गया। ऐसे ही इंसान की जिंदगी की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है जो जानवर नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो इंसान कर सकता है? इंसान खुद को जान सकता है, जानवर खुद को नहीं जान सकता, क्योंकि जानवर एक क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता, हुए माए। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो और आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है कि इस क्वेश्चन के एंड तक आप जा सकते हो। ये है जीत, बाकी सब है हार। और जिंदगी में जीतने के लिए आपको धर्म के रास्ते पे चलना होगा। धर्म के रास्ते पे वो नहीं चल रहा है जो आलसी है, धर्म के रास्ते पे वो चल रहा है जो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है, कुछ भी करके लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। ना वो दुनिया का भला कर रहा है, ना वो दुनिया का बुरा कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। जैसे दुनिया का बुरा करना अपने आप में एक कीड़ा है, ऐसे ही दुनिया का भला करना भी अपने आप में एक कीड़ा है। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अपना भला कर लो, एक्चुअल में जो भला है, यानी जान लो कि आप क्या हो, उसके बाद इस दुनिया को जो आपसे चाहिए होगा ना, वो दुनिया ले लेगी। ऐसा कोई ना कोई इंसान आ जाएगा जो आकर के ऐसा उल्टा पुल्टा एक क्वेश्चन पूछ लेगा और कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चंस वही होंगे जो हमेशा होते हैं। और फिर आप क्या कहोगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके जवाब तो आपने दे दिए हैं, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अरे असली क्वेश्चन पूछा भी है कभी? अगर सही क्वेश्चन पूछोगे तभी सही जवाब मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर इस क्वेश्चन को आप अपने आप से पूछते हो, एम आई, और इसके जवाब तक पहुंचने भी लग जाते हो, तो आप देखोगे आपकी थिंकिंग में एक रेडिकल चेंज आएगा। झूठ धीरे धीरे हटता चला जाएगा लाइफ में से, और जो सच है वो आपके सामने होगा। सच जैसा है, जो है, वो आपके सामने होगा। और सच चिंदी बातों का नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं, कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, भगवान क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, डिजायर क्या है, थॉट क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, जो भी क्वेश्चंस एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन में, दैट इज हु एम आई। और अगर इसको आप पूछ ही लेते हैं तो आपके जीतने की शुरुआत हो गई। यही कह लो कि अगर आपने सिंसियरली इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछ लिया है और इसका आंसर ढूंढ रहे हो तो आप जीत गए। आगे आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा उसको छोड़ दो, आंसर क्या मिलेगा और कौन बताएगा आपको कि जो आपको आंसर मिला वो सही है गलत है? एक ढंग का क्वेश्चन तो पूछा। एक साइंटिस्ट वो नहीं होता है जो आंसर देता है, आंसर तो लेक्चरर देता है। साइंटिस्ट वो होता है जो क्वेश्चन पूछता है। तो आप एक साइंटिस्ट हो, किसके साइंटिस्ट हो? लाइफ के साइंटिस्ट हो, अंदर की दुनिया के साइंटिस्ट हो। और अगर वो हो तो इंसान होने का जो हाइएस्ट गोल है वो आपने अचीव कर लिया है।
साइंटिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक बाहर की दुनिया के और अंदर की दुनिया के। तो अगर आप बाहर की दुनिया में साइंटिस्ट बनते हो तो अवार्ड मिलेंगे, पैसा मिलेगा। अंदर की दुनिया में साइंटिस्ट बनते हो तो उससे क्या मिलता है? एक पीसफुल माइंड मिलता है आपको। पहली बार समझ आता है कि साइलेंस क्या होता है, आपको पहली बार समझ आता है कि प्रेजेंट मोमेंट होता क्या है, आपको समझ आता है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद को समझ रहा था, मैं कोई चिंदी आदमी नहीं हूं इस इतने बड़े यूनिवर्स में, ये पूरा यूनिवर्स मुझ में है। ये बातें बोलने में भी मुझे अजीब लगता है क्योंकि मुझे पता है सब ऊपर से जाएगी।